हेलो गाइस, आई एम विशाल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फ्लोट कम बूस्ट चार्जर। अब जो गाइस आपके सबस्टेशंस होते हैं उसके अंदर हमारा एक बैटरी बैंक यूज़ किया जाता है, या आप कह सकते हो एक 55 सेल का बैटरी सेट यूज़ किया जाता है। एक सेपरेट रूम के अंदर हम एक बैटरी बैंक को बनाते हैं। अभी जो बैटरी बैंक है गाइस, इसको कैसे चार्ज करता है, कैसे आपकी 110 वोल्ट की जो बैटरी है वो चार्ज की जाती है, कैसे जो आपका 110 वोल्ट का जो डीसी सेल है, डीसी सेट है आपका सबस्टेशन के अंदर, उसे कैसे चार्ज किया जाता है, तो गाइस कंप्लीट डिटेल में हम इस वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि क्या होता है हमारा फ्लोट कम बूस्ट चार्जर और ये कैसे वर्क करता है। सो गाइस, ये जो आपको फिगर दिख रही है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ हमारी थ्री फेज की सप्लाई आ रही है जो कि सबस्टेशन के अंदर से ही ली जाती है। अभी जो एसी सप्लाई है गाइज, इसके दोनों साइड आपको दिख रहा है, एक तरफ है एक बूस्ट चार्जर और एक तरफ है गाइज आपका फ्लोट चार्जर। तो बूस्ट चार्जर फ्लोट चार्जर है गाइज, ये क्या है, दोनों की वर्किंग जो है वो सेम है, दोनों ही एसी को डीसी में कन्वर्ट करके हमारी बैटरी को चार्ज करते हैं, एक हमारे लोड को देता है। अभी आपको ये जो पॉइंट है वो क्लियर होगा। अब गाइज, जो हमारा फ्लोट चार्जर है, जो आपका राइट साइड में आपका चार्जर है, इसमें गाइज सबसे पहले आपकी लगी हुई है एक एमसीबी, उसके नीचे है एक फ्लोट चार्जर, उसके बाद है गाइज डीसी कन्वर्टर। अब डीसी कन्वर्टर कह लो या आप रेक्टिफायर सर्किट कह लो, ये क्या करेगा गाइज, जो भी आपकी थ्री फेज की 220 वोल्ट की सप्लाई है उसे 110 वोल्ट में चेंज करेगा। और ये जो 110 वोल्ट है आप देख रहे हो गाइस, इसके कनेक्शन ये जा रहे हैं हमारे लोड की तरफ। मीन्स गाइस, ये क्या कर रहा है हमारा फ्लोट चार्जर, मैंने आपको कल भी बताया था, फ्लोट चार्जर बैटरी को भी चार्ज करता है और हमारे लोड को भी आउटपुट देता है। तो गाइस, ये सेम कंडीशन आपको यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपका फ्लोट चार्जिंग का जो आउटपुट है वो आप देख रहे हो कि जो लोड के साथ कनेक्ट है, मीन्स हमारा जो लोड है 110 वोल्ट का जो लोड है वो वर्किंग कंडीशन में है फ्लोट चार्जर की वजह से। अब ये जो चार्ज हो रहा है गाइस, हमारा लोड जो हमारा लोड ले रहा है 110 वोल्ट, वही वायर जो है गाइस आपके एक बैटरी की तरफ भी जा रहे हैं, आप देख रहे हो। मीन्स जो हमारी बैटरी है वो भी साइड बाय साइड चार्ज हो रही है और जो हमारा लोड है वो भी वर्किंग कंडीशन में है। इस कंडीशन को ही कहते हैं गाइस हम फ्लोटिंग। तो फ्लोट चार्जर क्या करता है, हमारी बैटरी को भी चार्ज कराता है और जो हमारा लोड है उसे भी वर्किंग कंडीशन में देता है। अब इस किसी कंडीशन में हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि जो हमारा फ्लोट चार्जर है वो खराब हो गया। फ्लोट चार्जर अगर खराब हो जाता है, आपकी बैटरी जो है डीप डिस्चार्ज हो जाती है, तो उस कंडीशन में गाइस हमें यूज करना होता है बूस्ट चार्जर। तो बूस्ट चार्जर की भी जो गाइस आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो सेम है, ऊपर तीन एमसीबी लगी हुई है थ्री फेज की, नीचे एक जो है आपका बूस्ट चार्जर है और उसके नीचे गाइज आपका रेक्टिफायर सर्किट लगा हुआ है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। बट गाइज, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने की बात ये है कि जो आपका फ्लोट चार्जर और जो आपका ये बूस्ट चार्जर है, इन दोनों के बीच में एक लगा हुआ होता है कॉन्ट्रैक्टर। अभी जो कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल है गाइज, ये नॉर्मल कंडीशन में क्या होती है, चार्ज रहती है। और ये जब नॉर्मल कंडीशन में जो कॉइल है वो चार्ज रहती है, तो जिसकी वजह से जो सर्किट है ये क्लोज रहता है। अब जैसे ही ये सर्किट क्लोज रहता है, जो आपका फ्लोट चार्जर का आउटपुट है ये लोड को भी दे रहा होता है, और इस कॉन्ट्रैक्टर के क्लोज की वजह से क्या होता है, जो आपके 110 वोल्ट है वो बैटरी की तरफ भी जा रही होती है, जिससे जो बैटरी है वो चार्ज हो रही होती है। बट गाइस, क्या होता है कि जब आप फ्लोट चार्जिंग को ऑफ कराते हैं और बूस्ट चार्जिंग मोड में जो है आप अपने जो चार्जर है उसको लेके आते हैं, तो क्या होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल है ये जो डी एनर्जाइज हो जाती है, मीन्स ये जो सर्किट है ये एनो हो जाता है। जैसे ही ये जो कॉइल का जो है एनो होगा, तो आपकी जो कॉइल है वो डी एनर्जाइज होगी, और जैसे ही कॉइल डी एनर्जाइज होगी, जो आपका नीचे कॉन्ट्रैक्टर है ये भी डी एनर्जाइज होगा, मीन्स ये जो सर्किट है एनो हो जाएगा। अब जैसे ही ये आपका एनो होगा, तो गाइस आप बूस्ट चार्जर के आउटपुट देखिए। अब बूस्ट चार्जर है गाइस, ये जा रहा है हमारा एक बैटरी की तरफ ओनली, क्योंकि यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ओपन हो चुका है, तो लोड की तरफ जो है भी सप्लाई नहीं गई है। अब क्या होता है गाइस, जो आपका बूस्ट चार्जर है, जैसे कि इसका नेम है, अब आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज है, तो हमें 110 वोल्ट नहीं देना होगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा वोल्ट उसे देना होगा ताकि वो चार्जिंग ले सके। तो गाइस, इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम जो नॉर्मल कंडीशन में जो एक सेल का वोल्टेज होता है वो 2 वोल्ट हम उस पर अप्लाई करते हैं, तो हमारे 55 सेल जो है वो यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से 110 वोल्ट जो है वो मिलता है। बट बूस्ट चार्जिंग के टाइम पर क्या होता है, हम 2 वोल्ट नहीं देते हैं हर सेल को, हम 2.6 वोल्ट जो है वो देते हैं, जिसकी वजह से जो बैटरी के पास चार्ज टोटल वोल्टेज जाता है वो जाता है 140 वोल्ट। अब गाइस, 140 वोल्ट पे तो आपका लोड नहीं चल रहा था, 110 वोल्ट पे आपका लोड चल रहा था, तो इसी के लिए गाइस हम क्या करते हैं, बैटरी में एक सेपरेशन डाल देते हैं। जहां पर हम 55 सेल को यूज कर रहे थे, अब हम करेंगे 42 सेल्स को, क्योंकि गाइस जब आप 42 को 2.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 110 के अप्रॉक्स जो है वो वैल्यू आएगी। तो मींस जब भी हम बूस्ट चार्जर यूज करेंगे, हम 55 सेल्स को यूज में नहीं लेंगे। इसका यूज में इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हर सेल पे जो वोल्टेज है वो 2 से ज्यादा है, मींस 2.6 जो वोल्ट है वो हर सेल पे आ रहा है बूस्ट की कंडीशन में, जिसकी वजह से ओवरऑल वोल्टेज जो है 140 हो रही है। बट हमें लोड को 110 देनी होती है,
है, इसकी वजह से हम बूस्ट चार्जिंग के कंडीशन में जो बैटरी का है सेपरेशन कर देते हैं 42 पे। जैसे ही आपका बूस्ट चार्जर ऑन होता है, जो हमारे 42 सेल का जो वोल्टेज है 110 वोल्ट, वो इस डायोड के थ्रू जाता है हमारे लोड पे। तो बूस्ट चार्जिंग में भी गाइज आप देख रहे हो कि जो हमारा लोड है वो भी वर्क कर रहा है और हमारी साइड बाय साइड बैटरी भी चार्ज हो रही है। तो गाइज ये जो कंप्लीट डिस्कशन है, जो कंप्लीट फिगर है, जो आपको ये जो सर्किट दिख रहा है, ये होता है हमारे एक बॉक्स के अंदर। मींस एक जो है आपका कंट्रोल रूम के अंदर एक बॉक्स डिजाइन करा जाता है, आपका बैटरी रूम के जो वायर्स हैं वो उसके कनेक्शन में दी जाती हैं, जिसके थ्रू जो है आप उसकी कंट्रोलिंग कर सकते हैं अपने कंट्रोल रूम से। सो गाइस ये थी एक हमारी वीडियो बड़ी फ्लोट कम बूस्ट चार्ज। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अगर नॉलेजेबल लगी हो, अगर गाइस वीडियो से आपको 1% भी नॉलेज मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आई होप गाइस आपको वीडियो जो है वो अच्छी ही लगी होगी। आई होप गाइस मेरी जो कोशिश थी आपको कम टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कराना, वो भी पूरी हुई होगी। फिर भी गाइस आपका कोई डाउट है या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।